या आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। केंद्र सरकार द्वारा ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है, लेकिन वहीं कुछ लोग इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अमेठी जनपद का है, जहां एक ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। जगदीशपुर विकास खंड के माहेमऊ निवासी मोहम्मद आलम पुत्र निजामुद्दीन ने अपनी पत्नी को फोन पर 3 बार तलाक दे दिया है। इसके बाद पीड़िता ने कानून से न्याय की गुहार लगाई है। आए दिन तलाक के मामलों को लेकर महिलाओं को काफी दुश्वारियां हो रही थी। वहीं 3 तलाक पर देश भर में छिड़ी बहस के बाद मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून तो बना दिया, लेकिन इस कानून को कुछ ना समझ लोग लगातार ठेंगा दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रीता सावरीन की शादी मोहम्मद आलम पुत्र निजामुद्दीन निवासी माहेमऊ के साथ हुई थी। महिला का पति मोहम्मद आलम लगातार दहेज की मांग करता आ रहा था और दहेज में 5 लाख की मांग किया था। जब साबरीन ने घर वाले से असमर्थता जताई और पैसे नहीं दे सके तो मोहम्मद आलम ने साबरीन पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। प्रीता के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई। इसके बाद मोहम्मद आलम ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। साबरीन अपनी मां के साथ थाना अध्यक्ष जगदीशपुर को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगा रही है। अमेठी से ब्यूरो चीफ असद हुसैन की रिपोर्ट। आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए ना, क्या समस्या है आपको? हमारा शादी भाई है माहेमऊ में, हम माहेमऊ के रहने वाली है और हमारे बाबा का इंतकाल हो गया है और हमारे चचा बाबा हमारे भाई मिलके शादी करी है गौने में और 2 महीने तक का रखी सही से, फिर कहीं इनके लिए 5 लाख रुपए दिए नहीं तो तुमका तलाक दे दिए भाई। तो हम कहा माँ पापा का इंतकाल हो गया है, हमारे भाई कमाए वाले नहीं ना, कहाँ से दिल आई के तुम्हारे पीटी मट्टी तेल डाल के जलावे कोशिश करें। फिर थाना पुलिस थाना हुआ, फिर मुकदमा कचहरी हो गवा है मगर कोनो सुनवाई नहीं भाई। अब वहाँ से कुड़की का वारंट कट के आवा है और कुड़की कट के आई वारंट कट के आवा है और जगदीशपुर थाना आए चौकी वारंट कर आए मगर कोनो कागज आवत है तो कोनो कागज हमारे वहाँ हमें ससुर में पहुँचत नहीं ना और यही पैसा कोड़ी दे के रुकवा लिए थी और चौकी में गए रहने तो कहीं कि नहीं से जाओ और थाने का गए तो कहे कि जाओ तुम यहाँ हम काम कर दो मगर कोई काम नहीं भवा कल हमारा तलाक दे दी को सुनवाई नहीं भाई। तो थाने पे गई थी तो आप क्या मतलब थाने पे क्या बोली? कल 4 बजे तलाक दिन को सुनवाई नहीं भाई, कहीं जाओ हम तुम्हारा काम कह दिए भाई मगर भाई तक कोई सुनवाई नहीं भाई ना। या पुलिस पहुंची उनके दरवाजे पर माहे मऊ से आई तहन चौकी वारिसगंज थाना जगदीशपुर। थाना जगदीशपुर का मामला है, प्रवीण बानो ने अपने पति के खिलाफ 3 तलाक का एक मुकदमा जगदीशपुर थाने में लिखाया हुआ है। उसका कहना है कि उसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा था और कल दिनांक 21/2/2021 को 4 बजे के आसपास उसने उन्हें 3 तलाक दे दिया है। उसकी इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस इसमें छानबीन कर रही है और कार्रवाई कर रही है। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।